रंजीत अंकल, जसबीर चाचू किधर है? पुत्र जी, जैसे हमने तुम्हारी मम्मी को अमृतसर रवाना किया है ना, वैसे ही जसबीर चाचू को दूसरे पिंड जबरदस्ती किसी काम के वास्ते भेज दिया। वो मैं जब भी तुझे देखता तो मुझे ये एहसास होता कि मेरा जो शेर पुत्र है ना, वो अब वैसा नहीं रहा जैसा वो था। फिर अचानक पर जाई जी को अमृतसर भेज देना और मुझे जबस्ती पाने से दूसरे पिंड में भेजना, तो मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बच्चों को खिलौना है शायद, लगता है रामू काका का कोई बच्चा आया होगा और अपना खिलौना यहाँ भूल गया होगा। पर हमें क्या, बच्चा नहीं तो खिलौना भी नहीं। चाचू, दरवाजा तो बाहर से फिर बंद हो गया, अब हम कैसे निकलेंगे? छोटी दादू जी, छोटी दादू जी, छोटी दादू जी, छोटी दादू जी, आया 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 पुत्र, छोटी दादू जी, आया आया। क्या हुआ, तू आवाज क्यों लगा रहा है और अभी तक सोया क्यों नहीं तू? वो छोटी दादू जी, मुझे वॉशरूम जाना था तो सोते सोते मेरी आँख खुल गई। चल ठीक है, जा जल्दी। छोटे दादू जी, आप कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे? जाइए नीचे, मैं वॉशरूम से वापस आ जाऊंगा। और पता नहीं मेरे दरवाजे की कुंडी किसने लगा दी थी। हाँ, किसने लगाई? अच्छा तू जा। दादू जी, उनकी है, आप जाकर सो जाइए, क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, तू जा, मैं सो जाऊंगा, जा। समझ नहीं आ रहा, इसे मेरे यहाँ खड़े रहने से क्या दिक्कत हो सकती है? बार बार कह रहा है चले जाओ चले जाओ। छोटे दादू जी, क्या है? छोटे दादू जी, मैं वापस आ गया, आप अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं, चल सो जा, बहुत रात हो गई है, और अच्छी तरह से दरवाजा अंदर से बंद कर लें। जा। जब तक सब सो नहीं जाते ना, हमें यहीं रुकना पड़ेगा, फिर हम चुपचाप यहां से निकल जाएंगे। ठीक, मैंने तो लगता है चोर है। वो चोर के बच्चे, तुझे अभी मजा चखाता हूं। वो नहीं है, वो चोर तो नहीं। डंडा लेके इसको क्या कर रहा तू? पापा जी कमाल कर रहे हो, और डंडा तो आपके हाथ में भी है, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। अरे मरवाएगा किसी दिन, लग जाती तो जा अपने कमरे में जाके सो जा, उल्लू की तरह घूमता रहता है। कमाल कर रहे हो पापा जी, घूम तो आप भी रहे हो। अच्छा ना। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, मेरा मोबाइल आसपास होते हुए भी मुझसे दूर है। इस लल्लन ने तो ऐसा फंसाया है
कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। न जाने उसकी याददाश्त कब वापस आएगी। याददाश्त न हो गई, रेगिस्तान की बारिश हो गई, आने का नाम ही नहीं ले रही है। बॉस, आप कहे तो एक तरीका बताऊं, इससे याददाश्त वापस आ सकती है। तो गुड़ खाता? नहीं तो बॉस। तो फिर इतने दिनों से मुंह चिपका हुआ था तेरा, जो याददाश्त वापस लाने का तरीका नहीं बताया तूने? पहले इसलिए नहीं बताया बॉस कि आप सुनते कम हो और मारते ज्यादा हो। वैसे भी ये तरीका थोड़ा उल्टा है। अरे बताना, मैं ललन की याददाश्त लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बोल। बॉस, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अबे ये कहानी सुनाने का वक्त है? अरे तरीका बता, तरीका। बॉस, इस कहानी में ही तो तरीका है। हमारे गांव के एक आदमी पे एक दिन डंडा गिरा और उस डंडे की वजह से उसकी याददाश्त चली गई। तो ललन की याददाश्त भी तो डंडा लगने की वजह से ही गई है? हाँ बॉस, और उस आदमी की याददाश्त लाने के लिए गांव वालों ने उसको उसी जगह पे डंडा मारा जहाँ पर उसे पहले लगी थी। दोबारा डंडा खाकर वो आदमी बेहोश हो गया। जब वो होश में आया ना बॉस, उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। बेवर, तू कहानी सुना के मुझे मामू तो नहीं बना रहा? नहीं बॉस, आपकी कसम। ए, मेरी कसम मत खा, झूठ निकला तो मैं तो निकल ही लूंगा। रामू काका, हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हम आपका मोबाइल कहाँ रख के भूल गए। एक बार और कोशिश करके देखते हैं मालिक, एक बार। और कितना कोशिश करेंगे? दिलवा देंगे आपको वो 400-500 रुपए का चाइनीज मोबाइल। हमारा दिमाग तो पहले से ही हिला हुआ है और ऊपर से आपने नसें खींच खींच के हिला दिया। आप ही सोचिए, हाँ, कि हमारी याददाश्त कैसे आएगी। तेरी याददाश्त वापस लाने का आइडिया मैंने सोच लिया है ललन, जाओ और एक अच्छा खासा मोटा डंडा लेकर आओ, जाओ। ओए जसवीर, रविंदर की मम्मी घर में नहीं है तो तू मेरे पुत्र को किडनैप करने आया? पहले भी तूने ही किडनैप किया होगा। कौन कौन है तेरी गैंग में? छोटे पापा जी, आप अच्छे से जानते हो मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे झूठे इल्जाम में ना फंसाओ। ओए पापा जी ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओए वरना तू तो दूसरे पिंड गया था, वापस कहां से आ गया? वापस क्यों आया ये तो पुलिस के सामने ही बोलेगा। मैं उनसे बोलूंगा कि ये मेरे पुत्र को किडनैप करने आया था। वो इतना हैरान क्यों है? मुझे मालूम है कि मैं पुलिस को झूठ बोलूंगा, ये तो करना ही है ना। तुझे फंसाने के लिए पुलिस को झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। तू जिस स्कूल में पढ़ता है ना, हम उस स्कूल के हेडमास्टर रह चुके हैं। तूने क्या सोचा कि तू घर में घुस के चुपचाप रविंदर को ले जाएगा और हमें पता तक नहीं चलेगा? हमें तो तेरे प्लान का पहले से ही पता चल चुका था। जब तू रविंदर के साथ टेरेस पे था,
याद कर, याद कर, जब तुम दोनों टेरेस पे बात कर रहे थे तो किसी चीज के गिरने की आवाज आई थी, याद कर। ओए जसवीर, ओए अच्छी आवाज निकालता हूँ ना मैं। ओए जब कभी तेरा मेरी बिल्ली वाली आवाज सुनने के लिए दिल करे ना तो तू मुझको जेल में मिलने के लिए बुला लियो। ओए मैं आ जाऊंगा। ओए आखिरकार तू इस घर का पुराना वफादार नौकर रहा है, वो तेरे लिए इतना तो कर ही दूंगा मैं। ओए जसवीर, तुझे हमारा राज राज ही रहने देना चाहिए था, पर तू नहीं माना और हमारे सारे राज जान गया। अब क्या है ना जसवीर, कि मुझे तुझे किडनैपिंग केस में फंसाना ही पड़ेगा, जिससे तू हमारे रास्ते में ना आ सके, समझ गया? पापा जी, तो मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से पुलिस को फोन लगाओ ना आप, और मैं इसके हाथों में ना हथकड़ी देखना चाहता हूँ। नहीं छोटे दादू जी, छोटे दादू जी प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, इन्हें छोड़ दीजिए, ये चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर। पुत्र, पुत्र मैं तुम लोग को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? पुत्र जाने देना मुझे हवालात में, लेकिन मैं ना तुम लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? नहीं चाचू, आपको जाना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके ऊपर कोई मुसीबत आए। पुत्र, इसके ऊपर तो मुसीबत आ ही गई है। अगर हम इसे पुलिस के पास नहीं ले गए ना तो ये हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। छोटे दादू जी इन्हें जाने दीजिए, मैं वादा करता हूँ ये कभी वापस नहीं आएंगे। बदले में आपकी हर बात मानूंगा, बड़े होकर ये जायदाद पैसे सब आपके नाम कर दूंगा। देख ले जसवीर, कितना समझदार है मेरा पुत्र, बिल्कुल मेरे जैसा बिजनेसमैन है, सिर्फ अपने फायदे की सोचता। चल तुझे एक शर्त में मैं जाने देता हूं कि तू धर्मपुरा में या धर्मपुरा के आसपास दिखाई भी नहीं देगा और ना ही तू हमारे बारे में किसी को कुछ भी बोलेगा। नहीं तो तेरे भतीजे का, समझ गया ना? जाइए चाचू, बहुत दूर, और कभी वापस मत आइएगा। तेरी और परजाई जी की सुरक्षा ना मेरी जिम्मेदारी है। इस मुसीबत के पल में मैं तुम लोग को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? ये नहीं हो सकता, ठीक? कुछ नहीं होगा मुझे, इससे पहले छोटे दादू जी पुलिस को फोन कर दे, आपको जाना ही होगा। आपको मेरी कसम और मम्मी की कसम, प्लीज आपको जाना ही होगा। तर तू अपना ध्यान रखे, ठीक? Thank you.
ए गल सुन, जसबीर अभी अभी घर से निकला है, वो बच के निकलने ना पाए, किडनैप कर लो उसको। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। आज मैं तेरी याददाश्त वापस ला के रहूंगा ललन, और उसके लिए मेरे पास ये हथियार है। क्या हुआ रामू काका, आप डंडा लेके काहे घूम रहे हैं? आपकी भैंस खो गई है क्या? नहीं नहीं, ये मेरे दादा का डंडा है। मुझे जब दादा की याद आती है ना, तो मैं इसे सीने से लगा लेता हूँ ऐसे। ठीक है रामू काका, पर इसको तो कुछ खिलाया पिलाया करो, आपकी तरह छोटा रह गया है। रामू काका, हमें मार के हमारी जायदाद हड़पना चाहते हो? अब यही डंडा ना आपके सर पे पड़ेगा। रविंदर, वो तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देके जसवीर के साथ भागने की? वो तू भूल गया हम क्या क्या कर सकते हैं? अरे जीते, इस तरह नहीं, बच्चा है, प्यार से बात करनी चाहिए। हाँ पुत्र, इत बैठ, मैं आपको ये बताने आया हूं कि कल आपकी मम्मी वापस आ रही है, आपने मम्मी को ये बताना है कि जसबीर आपको किडनैप करके ले जा रहा था और छोटे दादू ने आपको बचाया है। कह देगा ना? ठीक, सोचो। चले रंजीत। पापा जी, मैं तो बेवकूफ़ी करता हूँ, और कोई बात नहीं, पर मैनू ना आपसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आपने जसबीर को इतनी आसानी से जाने दिया, वो रविंदर थोड़ी ना है जो हमसे डरेगा। वो आप देख लेना, वो कोई ना कोई चाल ना जरूर चलेगा। ओए, तू भी सोचने लग गया, बहुत अच्छे जविंदर है, लेकिन पुत्र अभी भी तूने मुझसे बहुत कुछ सीखना है। तेरे प्यो ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, वो चाल तो तब चलेगा ना जब उसे मौका दिया जाएगा। पुत्र, उसका इंतजाम हो गया है, अब तक तो काम भी हो गया होगा। हेलो, तो काम हो गया, शाबाश, बहुत अच्छे, और जैसा कहा है वैसे ही करना जसबीर के साथ। आगे बात समझ में? देख, हो गया। चल ललन, ललन क्या कुमकरण की नींद सो रहा है? ललन 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 उठो, ललन उठ जा। ओहो, काहे शोर कर रहे हैं इतना, थोड़ी देर और सोने दो ना जीजा, प्लीज। जीजा, जीजा।
इतना काहे नाच गा रहे हो? हमें भी बता दो क्या हुआ। अरे लल्लन खुशी तो बहुत है, हम तुझे क्या बताएं लल्लन। क्या बताएं? पहले तू ये बता मुझे कि तू मुझे पहचान तो रहा है ना? ओहो जीजा, कैसी बातें कर रहे हो आप। लल्लन को सब याद आ गया। अरे हम भूले ही कब थे जो याद आ गया। पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हमारी। तू अभी कुछ मत समझ, बस तू इतना बता दे कि तूने मैजिक मोबाइल कहाँ छुपाया था। अच्छा मोबाइल, मैजिक मोबाइल। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो गए जीजा खामो खामे। हमने मोबाइल ऐसी जगह छुपाया है कि किसी के दादा को भी पता नहीं पड़ेगा। हाँ अभी बताते। एक मिनट है, एक मिनट। आपके साले ने क्या किया? हाँ बता नहीं जीजा, हम तो मोबाइल यहीं छुपाए थे। कहाँ उड़नछू हो गया? मतलब तूने मैजिक मोबाइल यहाँ रखा था? नहीं है, तुझे ठीक से याद है? यहीं रखे थे जीजा। कहाँ गया मोबाइल?